मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल न जाना शिव तीर्थ आना। नागपुर जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक के प्रतिभूति घोटाले में पूर्व मंत्री सुनील केदार को अन्य 5 लोगों के साथ दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद से ही सुनील केदार विरोधियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं शुक्रवार को दिन भर न्यायालय परिसर में केदार के समर्थक गांव गांव से जुटे रहे। राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे अदालत में पहुंचे। इसके बाद अदालत ने उन्हें संबंधित अपराधों के लिए दोषी पाया और यह घोषणा की कि सजा पर निर्णय शाम 4 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही सभी आरोपियों को कोर्ट में इंतजार करने को कहा गया। इसके अलावा अदालत ने शाम करीब 5 बजे सभी आरोपियों की सजा का ऐलान किया। आगे की कार्यवाही के लिए सुनील केदार रात 10 बजे तक अदालत में मौजूद थे। इसके बाद उन्हें और अन्य आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाया गया। इसी बीच केदार करीब 10 घंटे 30 मिनट तक कोर्ट में रहे। सुनील केदार की सजा का ऐलान होने के बाद पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मेडिकल ले गई। यहां डॉक्टर ने उनकी जांच की और ECG लिया। इससे पाया गया कि उनकी हृदय गति कम हो गई है। इसके चलते उन्हें वार्ड नंबर 52 के गहन चिकित्सा इकाई यानी ICU में भर्ती कराया गया। विधायक सुनील केदार को 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत विधायक या सांसद को 2 या इससे अधिक वर्ष की सजा होने पर सदस्यता तुरंत रद्द की जाती है। ऐसे में केदार के विधायक की भी रद्द होने की आशंका है। सुनील केदार नागपुर जिले के सावनेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। अब उनकी दो स्थिति यानी कन्वेंशन पर वरिष्ठ अदालत में रोक लगती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।